बहुत सारे व्यूअर्स का यह सवाल है कि मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज की कमाल वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं मोबाइल से थंबनेल बनाने के लिए बताऊंगा। मोबाइल से थंबनेल बनाने के लिए आपको पिक्सेल ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ और प्ले स्टोर पर जाएं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद पिक्सेल लैब ऐप को सर्च करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो उसको ओपन कर दें। ओपन करने के बाद ट्रिपल डॉट पे जाएं और साइज पे जाएं। साइज को कस्टमाइज करें, यूट्यूब थंबनेल पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसके बैकग्राउंड कलर को जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जाएं और कलर पे क्लिक करें। ग्रेडियंट कलर और नॉर्मल कलर, ग्रेडियंट कलर में एक तरफ लाइट कलर और एक तरफ डार्क कलर रहता है, और कलर में एक प्योर डार्क कलर रहता है, तो मैं हमेशा ग्रेडियंट यूज़ करता हूँ। फिर ए पे जाएं, उसके बाद एडिट करें टेक्स्ट को और लिखें हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज थंबनेल। तो ओके करें, उसको स्क्रीन पे सेट कर दें एक साइड। सेट करने के बाद एडिट करें, स्ट्रोक पे जाएं, स्ट्रोक को इनेबल करें, शैडो को भी इनेबल कर दें। उसके बाद इधर आ जाएं, 3D टेक्स्ट को इनेबल कर दें। फोटो ऐड करने के लिए प्लस पे जाएं, फ्रॉम गैलरी फोटो चूज करें, ओके करें, कुछ साइज साइज के हिसाब से फिट करें और एक साइड और एक साइड फिट कर दें। उसके बाद तीसरे नंबर पे जाएं, स्ट्रोक पे जाएं और इनेबल कर दें। ओके करें और यहाँ से एज ए प्रोजेक्ट और एज ए इमेज में सेव कर दें। मैं हमेशा प्रोजेक्ट में सेव करता हूँ, तो ओके करें। नाम लिख दिया थंबनेल। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।